मित्रों, अभी दीदी बौखलाई हुई हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है, ये समझ लो। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, वो भाजपा और टीएमसी के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की माताएं, बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चुनाव है। बंगाल की युवा शक्ति आपके सामने लड़ रही है, बंगाल का व्यापारी आपके सामने लड़ रहा है, बंगाल का गरीब आपके सामने लड़ रहा है, बंगाल का किसान आपके सामने लड़ रहा है, और बंगाल की आम जनता दीदी आपको विदाई करने के लिए तैयार बैठी है। चुनाव हुआ 4थे चरण का, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया, सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। मित्रों, हम सबके लिए ये दुख की बात है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों करी? उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी, उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। और दीदी, आप तो कहकर चली गई व्हीलचेयर में बैठकर, मगर आपके कारण वो 4 युवा की मृत्यु हो गई, 4 युवा की मृत्यु हो गई। दीदी, आप ये 4 लोगों के लिए तो आंसू बहाती हैं, हाय तो बात करती हैं, कार्यक्रम छोड़कर वहां जाने की बात करती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 5वां जो कार्यकर्ता मर गया भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? भाइयों बहनों, इसके लिए भी दीदी के आंसू बहने चाहिए या नहीं बहने चाहिए? मगर नहीं बहे।